नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताऊंगा बिहार बेरोजगार भत्ता योजना। अगर अभी तक आप बेरोजगार हैं, अभी तक कोई कहीं आप शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो आप बिहार बेरोजगार भत्ता योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इंटर पास कर गए हैं तो उन्हीं छात्र छात्राओं को मिलेगा जो इंटर पास कर गए हैं, उन्हीं के लिए बिहार बेरोजगार भत्ता योजना का जो कि लाभ लेने का उन्हें संपूर्ण मौका दिया जाता है। अगर आप 12वीं पास हो गए हैं तो आप बिहार बेरोजगार भत्ता का अभी तक लाभ नहीं ले रहे हैं, तो आप इसे जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे 20 साल से लेकर 25 साल तक लाभ ले सकते हैं, यानी आप 20 साल से अप्लाई करके 25 साल तक आप इसे ले सकते हैं। ताकि अभी तक आप बेरोजगार हैं, इधर से उधर चल रहे हैं, तो इसलिए सरकार आपको देती है बिहार बेरोजगार भत्ता, जो कि आपको हर महीने 1,000 रुपये आपको मंथली देती है, ताकि आप इसमें गुजारा कर सके कि आप अपना जो कि अभी तक बेरोजगार हैं तो आप इधर से उधर आप अपना देख सकते हैं, 1,000 में गुजारा कर सकते हैं, सरकार आपको देती है। इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि आप कैसे बिहार बेरोजगार भट्टा योजना का अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए स्क्रीन पर हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और हम जानेंगे कि कैसे इसे हम अप्लाई करें और आप इसे जो कि हर महीना में 1,000 रुपये आप मंथली जो कि उठा सकते हैं आप 25 साल तक। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो हम अपने स्कीम पर आ गए और हम आज जानेंगे कि बिहार बेरोजगार भत्ता योजना का ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो आपको जो कि आपको एक एप्लीकेशन जो कि ओपन कर लेना, क्रोम ब्राउजर या तो गूगल ब्राउजर। तो मैंने अभी क्रोम ब्राउजर जो कि ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको यहाँ जो कि सर्च बॉक्स में लिखना है, जो कि आपको यहाँ सर्च बार में आपको लिखना है, आपको नसित yuvapanishrambihar.com/bihar। इसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको इस तरह का जो कि पेज खुलकर आ जाता है। आ जाने के बाद आपको जो कि इसे डेस्कटॉप मोड में कर लेना है, ताकि आपको कंप्यूटर जैसा दिखेगा, ताकि आपको क्लियर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये इस तीर वाले पर क्लिक कर देना। तीर वाले पर क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड यहाँ आपको मिल जाती है। तो डेस्कटॉप मोड पर आपको टिक लगा देना है। जिससे टिक लगाते हैं तो आपको जो कि डेस्कटॉप मोड में हो जाएगा। तो सर्विस इनेबल, अभी थोड़ा सा सर्वर डाउन है, तो तब तक हम थोड़ी वेट कर लेंगे जब तक ये हमारी हो नहीं जाता है। उसके बाद हमारी ये जो कि खुलकर आ गई। आने के बाद हमें क्या करेंगे, तो थोड़ा सा हम इसका गाइडलाइन पढ़ लेंगे या हम थोड़ा कुछ जानकारी इसके बारे में आपको ले लेते हैं। तो उसके बाद आपको गाइडलाइन की यहाँ गाइडलाइन लिखा है, आपको गाइडलाइन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जिसे क्लिक करते हैं तो आपको इसका PDF जो कि डाउनलोड होकर आ जाएगा। यहाँ आपको कह रहा है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायक बिहार योजना। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। दूसरे नंबर पर जिसे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाती है नीचे में, आपको जो कि PDF में जो कि डाउनलोड कर होकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसके पूरी जो कि लिस्ट बनकर आ गया। आप देख सकते हैं कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायक भट्टा योजना के उच्छेद, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायक भट्टा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहमत, इसके आपके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। आप यहां जो कि बहुत सारे जो कि आपको पेज में मिल जाती है, इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं अच्छे तरह से। तो चलिए इसके बारे में आपको देख लिए कैसे आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए हम इसे बैक कर देंगे। बैक करने के बाद हमें उसके बाद फिर हम यहाँ क्लोज पर क्लिक कर देंगे। जिसे क्लोज पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो कि हम पीछे की और आ जाएंगे जहाँ से हम आए थे। हम आ गए। आने के बाद हमें क्या करना होगा, इसे हम थोड़ा सा जूम करके ले लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट क्लियर दिखाई देगा। देने के बाद आपको यहाँ मिल जाती है न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना हो तो चलिए हम यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो कि पेज खुल कर आ जाता है और वहाँ से आपको पूरे डिटेल्स को आपको फिल करना होगा। आप अपने डिटेल्स को सही सही फिल कीजिएगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन जो कि सक्सेसफुल होगा। चलिए हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जब तक खुल नहीं रहा है तब तक हम खुलने तक वेट कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो कि खुलकर पूरा अच्छे तरह से रेडी हो गया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, पहले नंबर तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, यहाँ लास्ट नेम आपको नीचे भर देना। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी आपको डालना है, एक आधार नंबर, आपको मोबाइल नंबर। उसके बाद हम थोड़ी और नीचे आ जाते हैं, आपको OTP जो कि आपको ईमेल आईडी पर भी वही आया, ईमेल आईडी पर आपको एक आएगा एक मोबाइल नंबर। तो पहले ऊपर वाले पर आपको मोबाइल नंबर पर आएगा, आपको नीचे वाले पर ईमेल आईडी पर, आपको दोनों डालकर जो कि OTP वेरिफिकेशन करना है। जैसे ही वेरिफिकेशन करता है तो आपका ई रजिस्ट्रेशन जो कि आपको आपके मैसेज के द्वारा दे दिया जाएगा। आप वहाँ से जो कि
देने के बाद आपको क्या करना होगा, चलिए हम यहाँ पहले फर्स्ट नेम आपको डाल देते हैं। तो जैसे मैं, हमारा चंदन कुमार नाम है, तो यहाँ हम चंदन अपना डाल देते हैं। उसके बाद हमारा मिडिल नेम नहीं, हम लास्ट नेम डायरेक्ट यहाँ डाल देंगे। तो चलिए हम, सॉरी, हम मिडिल नेम में डाल दिए, हम यहाँ अपना फर्स्ट नेम में देखिए नाम चंदन, उसके बाद हम यहाँ कुमार डाल दिए। आपको मिडिल नेम, मेरा मिडिल नेम नेम नहीं है तो मैं मिडिल नेम छोड़ दूंगा, उसके बाद लास्ट नेम डाल दूंगा। उसके बाद हम अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा, उसके बाद यहाँ हम अपना आधार नंबर, उसके बाद यहाँ एक मोबाइल नंबर, ओटीपी आपको यहाँ पर आपको एक आएगा जो कि आपको मोबाइल नंबर पर। चलिए हम यहाँ सेंड ओटीपी कर देते हैं, हमारा मोबाइल नंबर जो कि मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, तब तक हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद जैसे हम, चलिए थोड़ा बैक आते हैं, हमारा जो कि रजिस्ट्रेशन मैसेज आ गया, हमारी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई, हमारी जो कि मैसेज आ गई, तो हम इसे बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद हमें अब क्या करना होगा, हम ये जैसे करते हैं तो आपको यहाँ जो कि यहाँ मिल जाती है लॉग आउट, आपको लॉग आउट करने के बाद यहाँ आपको, उसके बाद आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। उसी तरह आप जो भी, मतलब आप अपना जो कि अब आपका महीना का जो कि हर मंथ का आपको 1000 रुपये जो कि बेरोजगार भत्ता योजना दिया जाएगा, जो कि 20 साल से लेकर 24 साल तक ये आप लाभ उठा सकते हैं, फिर उसके बाद ये आपको बंद हो जाएगी। तो हमारी तो ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक बाय बाय।